ये लल दर्द का मसला है। हमारा सवाल है कि 9765 जो है, अगर डॉक्टर असमत ये सवाल नहीं उठाती है पार्लियामेंट में, हम तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में टॉप मोस्ट लिस्ट में है और वहाँ पे 61,000 महिलाएं गायब हैं और 22,000 ऐसी छोटी 18 से अबव जिनकी उम्र है वो गायब है। कुल मिला के 80,000 महिलाएं दिल्ली में गायब है जहाँ पे आपकी हुकूमत है, तो वहाँ पे हाँ ये कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, क्या ट्रैफिकिंग है, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल्ट है, या कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, हु आर दोस पीपल, वो लोग कौन है जो यहाँ से गए हैं जो ये फिगर दे रहे हो। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है, वेयर आर दे नाउ, आज वो कहाँ है। हम एल जी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आज आप इतना फिगर आने के बाद आपने कोई सिस्टम बनाया क्या, जिस सिस्टम पे आप रोज ये तहसीस ये है कि दिल्ली में ना हमारे पास पुलिस है नहीं। हमारे पास अगर आपको पता है, दिस इज नॉट विद अस, ये भी हम सीधा अपने मोदी गवर्नमेंट को क्वेश्चन उठाते हैं कि आपने हमारे हाथ काट दिए। कश्मीर में 2019 से लेकर 2021 तक 9,765 ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ पे गायब है। आपको बताया ये फिगर है जिसमें अजय कुमार मिश्रा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उन्होंने एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये फिगर दिए जिसमें बताया गया कि 9,765 महिलाएं यहाँ पे मिसिंग है। कौन है वो महिलाएं, कहाँ पे है वो महिलाएं और कैसे उनको यहाँ पे लिया गया और अभी उनका क्या स्टेटस है, ये अभी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में हम मौजूद है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स आज एहतजाज करने लगे और ये मांग है कि वो कहाँ से है, मिसिंग अगर है तो उनको वापस घर क्यों नहीं लाया गया। नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बताइएगा इस प्रोटेस्ट के हवाले से क्यों आप सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए। सर अक्सर मुद्दे उठते हैं और मुद्दे उठने के बाद हर तंजीम अपना एक पहलू सामने करता है और हर एक तंजीम एक दूसरे पर कीचड़ उठाना चाहते हैं। आज हम बोलना चाहते हैं हर तंजीम को, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी हर तंजीम को बोलना चाहता है, आज ये लल दर्द का मसला है। हमारा सवाल है कि 9765 जो है, अगर डॉक्टर असमत ये सवाल नहीं उठाती है पार्लियामेंट में, हमको तो कोई पता ही नहीं चलता। डॉक्टर असमत जब सवाल उठाई पार्लियामेंट, उसके बाद पता चला 9765 मिसिंग है। पहले तो मुझे इस कैलकुलेशन पे एक शक है। दूसरी बात यह है, अगर आप इस फिगर पे पहुंचे हैं, दैट मीन आपको एक एक इंसान का पता है, दैट मीन आपको ये भी पता है कि ये कैसे मिसिंग हो गई। तो हमें तीन सवालों का जवाब चाहिए एलजी साहब से। पहले हाउ ये कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, क्या ट्रैफिकिंग है, क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल्ट है, या कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, हु आर दोस पीपल, वो लोग कौन है जो यहाँ से गए हैं जो ये फिगर दे रहे हो। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है, वेयर आर दे नाउ, आज वो कहाँ है। हम एल जी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आज आप इतना फिगर आने के बाद आपने कोई सिस्टम बनाया क्या, जिस सिस्टम पे आप रोज ये तहकीक किया जाए, आपने कोई पुलिस की विंग एक्स्ट्रा कर दी इसके बारे में, आप कोई ऐसा चीज करते हो कि जिसके, देखिए बाकी स्टेट का पता नहीं है लेकिन हमारे स्टेट में लल दर्द, एक औरत को लल दर्द माना जाता है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सब दुनिया पूरे कश्मीर एक होकर ये सवाल उठाए कि मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, द क्वेश्चन इज दैट आई वॉन्ट टू नो हु वेयर एंड व्हाई। नवाब साहब ये जम्मू कश्मीर की बात है, लेकिन हम थोड़ा जम्मू कश्मीर से बाहर अगर हम निकलेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में टॉप मोस्ट लिस्ट में है और वहाँ पे 61,000 महिलाएं गायब हैं और 22,000 ऐसी छोटी 18 से अबव जिनकी उम्र है वो गायब है। कुल मिला के 80,000 महिलाएं दिल्ली में गायब है जहाँ पे आपकी हुकूमत है, तो वहाँ पे आपने क्या किया। सर अफसोस ये है कि दिल्ली में ना हमारे पास पुलिस है नहीं। हमारे पास अगर आपको पता है, दिस इज नॉट विद अस, ये भी हम सीधा अपने मोदी गवर्नमेंट को क्वेश्चन उठाते हैं कि आपने हमारे हाथ काट दिए वहां पे। आपको पता है दिल्ली में एक ऑर्डिनेंस आता है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई पुलिस वाला कोई, ये जो पुलिस का काम है दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। हम दिल्ली में भी बैठ के यही सवाल मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप वो 60,000 जो मिसिंग आप बता रहे हैं, उसके लिए पुलिस की क्या कार्रवाई करना चाहते हो। तो ये आप मुझे बताइए, जो 9,765 महिलाएं, क्या ये एग्जैक्ट फिगर आपको लग रही है। सर मुझे तो एग्जैक्ट फिगर नहीं लगती है, पहले ये चीज, अगर ये एग्जैक्ट फिगर है तो उसका लिस्ट भी दे दो ना हमको, एक तो लिस्ट दे दो, दूसरा ये बता दो तो क्या इन 9,765 को एक ही कारण है या अलग अलग कारण है।
is it only trafficking? Is it only some drugs are involved? Is it something कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है क्या? हम ये जानना चाहते हैं. अगर आपके पास ये फिगर है, दैट मीन आपके पास ये भी होगा कि हमीदा है, रियाजा है, कौन है ये, तो आपको ये भी पता होगा कहाँ क्यों है. हम जानना चाहते हैं तीन से एक, आज वो कहाँ है. दूसरा, क्या आज के दिन में कोई हमारी बच्ची इसमें फंस रही है या नहीं फंस रही है, ये जानना चाहते हैं. तो आपको क्या लग रहा है कौन ऐसी ये महिलाएं हो सकती है? सर, महिला जो भी, अगर छोटी बच्ची है तो उसका जहन तो मैच्योर नहीं है, कोई भी वो कर सकता है, वगैरह कर जा सकता है. लेकिन हमारा सवाल ये है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए सिस्टम बनाए. हम ये चाहते हैं एक सिस्टम बना दो, इसको इग्नोर मत करो कि ये 9,000 चले जाए तब तक हम सोए हुए बैठे. हम आज जगाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ये बोलते हैं कि 9,000 को यहाँ रोक लो और उसकी वजह पता करो, और जो हमारे गए हैं ना उनको वापस लाने की कोशिश करो, और आज के दिन में कोई हमारी ललदर नहीं जानी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ. शुक्रिया. ये हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, जो आज से लेकर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हैं, और मांग यही है कि जो 9,765 महिलाएं जम्मू कश्मीर से गायब है 2019 से लेकर 21 तक, राज्यसभा में ये डेटा दिया गया जिसमें बताया गया कि 9,765 महिलाएं ऐसी जम्मू कश्मीर में, और ये डिमांड करते हैं यहाँ पे कि इस ग्रैप को कम किया जाए और बाजार का तोड़ इसमें जो है कमी के लिए चाहिए और सरकार को इस चीज़ में देखना चाहिए. कैमरा मैन साहब के साथ आपके बाद. Thank you.